CNN देखते रहिए। SP त्रिवेदी की रिपोर्ट। अशोकनगर जिले के तहसील मुंगावली के ग्राम करीला 5वां धाम होगा, साथ ही विश्व पटल पर करीला धाम का मान बढ़ेगा। यह बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार रंग पंचमी पर करीला माँ आयोजित विशाल मेला में 6,25,00,000 रुपए की राशि माता जानकी मंदिर एवं सबरी माता मंदिर पुनर्निर्माण एवं परिसर में किए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास कर उद्घाटन के दौरान की गई। सबसे पहले जानकी मैया के चरणों में प्रणाम और उनसे यही प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की जनता पर कृपा की वर्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यह अद्भुत स्थान है जहाँ आज भी आप देख रहे हैं लाखों लाख श्रद्धालु श्रद्धा सहित दूर दूर से आ रहे हैं। जानकी मैया की कृपा और उनकी प्रेरणा से ही मन में यह विचार आया कि करीला धाम और इस ढंग से विकसित किया जाए कि आने वाली जनता को सुविधा और सहूलियतों का लाभ भी मिले, आना और सुगम हो जाए और कई विकास के काम यहाँ करके इस धाम को उन्हीं की कृपा से, ये तो बेहतर और पवित्र है ही, लेकिन भौतिक रूप से और सुविधा युक्त बनाया जाए। तो यहाँ 5,29,00,000 के विकास कार्यों की हमने स्वीकृति दी है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। टेंडर वेंडर होके 1 महीने में ये सारे काम अलग अलग प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ सबरी माता के मंदिर का भी विकास करने का काम हाथ में लिया है। तो कुल मिला के लगभग 6,29,00,000 रुपए के आसपास की राशि इन सारे कामों पर व्यय होगी। आसपास आने जाने वाली जो सड़कें और मार्ग हो सकते थे उनको भी अलग अलग हमने स्वीकृत किया है, जिसको मैंने सभा में बताया है। ये एक अंदर की प्रेरणा से, मैया की कृपा से ही ये सारे काम होंगे। और उस समय जब मैं आया था चुनाव प्रचार के लिए, तब ये विचार के स्थान के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए मन में आया, वो अब क्रियान्वित हो रहा है। ठीक है भाई। सीएम साहब, जितने विकास कार्यों की घोषणा की थी जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह, क्या सभी इसी तरह से किए जाएंगे? अभी आ रहा है ना भैया।